स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, काफी इंतजार के बाद रेलवे ने IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को एक बार फिर से अपडेट दे दिया है। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपडेट देना जरूरी क्यों था और अपडेट देने के बाद हमें कौन कौन से नए फीचर्स मिले हैं। तो फ्रेंड, अपडेट देने की पहले की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को देखने को मिलती थी। सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, सर हमें पेमेंट पेज पर रोका जा रहा है, अनबल टू प्रोसेस पेमेंट पेज किया जा रहा है। कई रेल यात्री बोले सर सही कैप्चा डालने के बावजूद भी इनवैलिड कैप्चा बता रहा है। ऐसी तरह तरह के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे। और मतलब मिला जुला के जो तत्काल टिकट की बात करें तो हम कितना भी हाथ पैर मार लें, नॉर्मल से नॉर्मल हार्ट से हार्ट रूट का जो प्रिंटिंग टाइम है वो 6 से 7 मिनट मतलब तक लगता था, इतना टाइम लगता था, भले बैटिंग मिले या फिर नो सीट आए या फिर रिग्रेट आए। अब दोस्तों होता क्या है कि कोई वेबसाइट हो गई या XYZ कोई भी मशीन हो गई जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, तो बीच बीच में उसको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसी वेबसाइट और में एक मतलब IRCTC की वेबसाइट है या फिर रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है जो कि रेगुलर बेस पे सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली वेबसाइट है। इसलिए रेलवे ने इसको एक बार फिर से अपडेट दिया और अपडेट के साथ साथ बोला कि इसमें हमने कुछ बग्स थे जो कि क्लियर कर दिए। अब दोस्तों वो कौन से बग्स क्लियर हुए हैं उसके लिए दोस्तों अपडेट होने के बाद आज दोस्तों एक उसका डेमो चेक किया गया। डेमो में दोस्तों पता चला कि रेलवे कितने मतलब मेंशन तो कर दिया कि उसके कुछ बग्स क्लियर किए गए हैं, लेकिन दोस्तों अगर सच्चाई की बात हो तो तत्काल टिकट बुकिंग इस समय मोबाइल से या फिर रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों रेलवे ने अपडेट दिया उसके बाद डेमो चेक किया गया, सेम जो दोस्तों पहले प्रॉब्लम आ रही थी वही प्रॉब्लम अब भी आ रही है। मतलब दोस्तों ऐसा हम बोल सकते हैं या फिर ऐसा हम मान सकते हैं कि वो दिन गए जब हम मोबाइल से 1.5 से 2 मिनट में तत्काल टिकट बुक कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में या फ्यूचर में कभी ऐसे दिन आएंगे, क्योंकि रेलवे कहीं ना कहीं बोल रही है कि हम सर्वर ज़्यादा जोड़ेंगे, 1 मिनट में अब 25,000, 30,000 या फिर लाखों लाख टिकट बुक होंगे। तो दोस्तों मार्केट में फिर बहुत ज़्यादा यूजर्स बढ़ेंगे जिससे इसमें लोड पड़ता रहेगा। तो जो हमारे बहुत से रेल यात्री हमारे पास कमेंट कर रहे थे, सर IRCTC की जो वेबसाइट या फिर रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है, रेलवे इसको अपडेट देती है, अपडेट देने के बावजूद भी ये वर्क क्यों नहीं करता, क्या रेलवे केवल मतलब दिखावा के लिए अपडेट देती है। तो फ्रेंड होता है क्या कि बीच में बहुत बार कुछ ऐसे बग्स आ जाते हैं जिसको रेलवे को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके लिए भी कुछ इंजीनियर लोग बैठे रहते हैं, उनको भी सैलरी रेलवे देती है। अगर वो बग्स नहीं क्लियर करेंगे या फिर ऐसे अपडेट नहीं डालेंगे तो रेलवे को लगेगा कि ये एम्प्लॉय किसी काम को नहीं है, इसकी वजह से बीच बीच में वो भी अपडेट देते रहते हैं। अब दोस्तों जो रेल यात्री बोल रहे हैं सर अपडेट होने के बाद तत्काल टिकट बुक क्यों नहीं होता, तो फ्रेंड जैसा मैंने आपको बता दिया कि इस समय होता क्या कि मार्केट में बहुत सारे ई लीगल तत्काल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो कि एक टिकट निकालने के लिए अनेकों यूजर आईडी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से IRCTC की वेबसाइट पे इतना ज़्यादा लोड पड़ जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों जो उसका प्रोसेसिंग है, जो उनका वर्किंग प्रोसेस है, बहुत स्लो वर्क करने लगता है। इसकी वजह से दोस्तों ये सभी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों रेलवे सर्वर ज़्यादा जोड़ लेगी, सिंपल सी बात है कि यूजर्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी 5G का जमाना चल रहा है, सभी कंपनियाँ की मोस्टली जो इंटरनेट 5G सर्विस है फ्री दी जा रही है। लोग अब दोस्तों बहुत ज़्यादा डिजिटल हो रहे हैं, तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे लोग सर्च मार के कुछ भी सीख ले रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले कल में या समय में ऐसा कहा जा सकता है कि जो ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ऐसी इससे ज़्यादा भयानक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब बात रही अपडेट होने के बाद, इसमें दोस्तों कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। जैसी हमें फेस मतलब जो हमें पहले प्रॉब्लम देखने को मिली थी, सेम वही प्रॉब्लम दोस्तों अपडेट होने के बाद भी देखने को मिली है। और सभी रेल यात्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपडेट आया तो अपडेट कर लीजिए, भले कुछ दोस्तों वर्क करे या ना करे। रेलवे भी साफ साफ बोल चुकी है, उससे अगर कई बार आप पूछेंगे, कस्टमर केयर से पूछेंगे या अगर आप ट्वीट करके रेलवे से जवाब मांगेंगे तो रेलवे का एक ही जवाब आएगा कि मतलब कि एक साथ बहुत ज़्यादा यूजर्स कनेक्ट होते हैं जिसके वजह से साइट बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड, यही सब कुछ रीजन है। मुझे नहीं लगता इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी रेलवे दे पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से लोग डिजिटल हो रहे हैं, दिन ब दिन यूजर आइडिया बहुत ज़्यादा यूजर आइडिया IRCTC की वेबसाइट पे एक्टिव हो रही है, उस हिसाब से दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पहला समय हुआ करता था कि मोबाइल से 1.5 से 2 मिनट में बन जाते थे तत्काल टिकट, अब वो दिन नहीं आएंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो फ्रेंड यही वीडियो में आपको यही बताने वाला था, रेलवे अपडेट देती रहिए, आप अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अगर आप सोचेंगे वो अपडेट तत्काल टिकट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों
कुछ सोल्यूशन मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है, वो कुछ बक्स बोल के उसको क्लियर कर दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, बक्स बहुत सारे होते हैं, कुछ उनके अंदर के बक्स होंगे, कुछ एप्लीकेशन के बक्स होंगे, वो सभी दोस्तों बक्स क्लियर किए जा रहे हैं। कई बार कुछ नया ऑप्शन रेलवे जोड़ती है तो उसमें भी अपडेट देती है। बाकी बीच बीच में दोस्तों वेबसाइट और रेलवे एप्लीकेशन जब ज़्यादा यूज होता है तो बीच बीच में जैसे हम फाइल क्लीन कैच करते हैं वैसे इसको भी कैच क्लीन कैच किया जाता है, जिसको एक अपडेट दे दिया जाता है। बाकी दोस्तों IRCTC की वेबसाइट और रेलगाइड एप्लीकेशन में जितनी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे हिसाब से फ्यूचर में भी दोस्तों ये सभी प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा यूजर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और रेलवे दोस्तों ज़्यादा सर्वर जोड़ने के बावजूद भी इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे पाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और दोस्तों बात करें मोबाइल से तो मतलब मैं अगर रियलिटी बताऊँ, स्लीपर की टाइमिंग 5 से 6 मिनट चली जाती है, एसी की टाइमिंग दोस्तों भले हम मान सकते हैं 2.5 से 3, मतलब सर्वर इतना ज़्यादा जाम चल रहा है कि जो रूट फ्री है जिसका टिकट हमें बहुत इली तरीके से 2 से 1.5 मिनट में निकल जाना चाहिए, उस रूट का टिकट एसी का निकलते हैं 3 से 3.5 मिनट चला जाता है। दूसरी बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब हम पेमेंट कर देते हैं, प्रोसेसिंग पेमेंट पर घुमाया जाता है, उसके बाद वहाँ अनबल टू प्रोसेस पेमेंट किया जाता है, और जब हमारा पैसा 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते या 10 दिन तक रेलवे के पास रहता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है कि हम फिर से वो टिकट बुक कर सकें, क्योंकि हमने उतना ही पैसा रखा था जितने का टिकट। और दोस्तों कुछ रेलवे करे या ना करे, बस रेलवे से एक ही रिक्वेस्ट है, किसी का पैसा ना फंसाए, इसकी अपडेट वो जरूर दे दे, जो प्रोसेसिंग पेमेंट में घुमा के अनबल टू प्रोसेस कर रहा है, प्लीज़ ऐसा ना करे। वो साफ साफ भले तो लिख देता है कि ये सब ऑटोमेटिक होता है, आपका पैसा 3 to 5 working days में उसी अकाउंट में रिफंड आ जाएगा, वो चीज़ मैं भी मानता हूँ ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन बहुत ऐसे रेल यात्री होते हैं जिनका बजट उतना नहीं रहता है, कैसे कैसे बजट बना के तो वो टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, बाद में जब ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है तो उनका मन भी टूट जाता है। तो रेलवे से निवेदन है कि आप कोई चीज़ अपडेट दे या ना दे, लेकिन इस चीज़ का जरूर अपडेट दे। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आप वीडियो देखने के बाद IRCTC रेल क्वेंट एप्लीकेशन आप अपडेट कर लीजिए, हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको फायदे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।